Hi friends, I'm Dr. Sneha back with another chocolate recipe and today's recipe is Mera, Aapka, Sabka favorite, most famous in India, Cadbury Terrible Fruit and Nut. Before starting with the recipe, I want to thanks to all those who have liked my previous video of chocolate tutorials and subscribe my channel. Thank you very much. For those who have not yet subscribed my channel, click here for subscribing. So let's start with the recipe. Cadbury Terrible Fruit and Nut banane ke liye hame chahiye 1/4 cup banana, 1/4 cup kaju, 2 tablespoon raisins yani ki manuka, 125 grams milk chocolate. अगर आपको चाहिए तो आप इसमें हाफ क्वांटिटी ऑफ दिस मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं पर डार्क चॉकलेट बिटर होता है एंड डेरी मिल्क इज स्वीट तो सो आई डोंट वांट टू मेक दिस बिटर सो आई एम गोइंग टू यूज ओनली मिल्क चॉकलेट एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट एंड दे कम इन दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग ये 2M कंपनी का है ऐसी मॉडी कंपनी या और भी कोई कंपनी का आ सकता है एंड ये आपको कोई भी सुपर मार्केट्स में मिलेगा अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं एंड 6 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज ऑयल याद रखो ऑरेंज ऑयल यूज़ करना है ऑरेंज एसेंस नहीं यूज़ करना है क्योंकि ऑरेंज एसेंस जो होता है वो वाटर बेस्ड होता है एंड वाटर इज द एनिमी ऑफ चॉकलेट पानी चॉकलेट का दुश्मन है अगर पानी चॉकलेट में आ जाता है तो चॉकलेट खराब हो जाता है एंड बार मोल्ड क्योंकि हम चॉकलेट बार बना रहे हैं पहले हमें बादाम काजू और मनुकास को छोटे पीसेस में चॉप करना है मैंने ऑलरेडी चॉप किया हुआ है आप इसे नट कटर या फिर सिंपल नाइफ से कट कर सकते हैं पर नाइफ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैंने सीजर से कट किया है मैं आपको एक दिखा दूंगी कैसे कट करना है दिस इज मोर इजियर एंड मोर This is more easier and faster than knife. मनुकास को हमें हाथ से ही छोटे पीसेस में कट करना है जस्ट लाइक हमने जो काजू और बादाम को चॉप किया था वो मैंने एक ही बाउल में मिक्स कर दिया है अब इसे हमें रोस्ट करना है माइक्रोवेव में फॉर 1 मिनट एक मिनट हो चुका है अभी रोस्टेड नट्स को निकालते हैं अभी हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए पर एट अ टाइम 1 मिनट के लिए नहीं करना है क्योंकि चॉकलेट जल जाएगा तो हम इसे ब्रेक करके करेंगे फॉर 20 सेकंड्स के लिए अब मेल्टेड चॉकलेट को 5 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर में रखिए ठंडा करने के लिए 5 मिनट्स हो गया है अब हम रोस्टेड नट्स को चॉकलेट में मिक्स करेंगे और मनुकास कट किए हुए वो भी डालेंगे एंड इसको मिक्स करेंगे ऑरेंज ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है
अब हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को बार मोल्ड में डालें। अब इसे लाइटली टैप कीजिए। अब हम इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट रेडी है। अब हम इसे निकालते हैं। हम देख सकते हो बार बन गया है एंड यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। अब हम सिल्वर फॉइल से इसे रैप करेंगे। ये पार्ट नीचे जाएगा। ये है मेरे चैनल के वाटरमार्क का प्रिंट। यहाँ पे मैंने फ्रूट एंड नट टाइप किया है। आप ऐसे ही आपके नाम का या फिर कंपनी के नाम का प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर इसे सिल्वर फॉइल के ऊपर से रैप कर सकते हैं। मैंने इसे प्रॉपर साइज में कट किए हैं। अब इसके ऊपर से रैप करेंगे। ग्लू देखिए, फ्रूट एंड नट चॉकलेट बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। आप भी इसे घर पे बनाइए, खाइए और दूसरों को खिलाइए एंड सेव योर 42 रुपीज। आपके पैसे तो बचे गए, साथ में ये हेल्दी भी है
वैसे चॉकलेट्स एंड केक्स के बारे में बात आती है तो हेल्थ को भूल जाना चाहिए, बट इट इज़ हेल्दी एंड विद लेस केमिकल्स एज कम्पेयर टू द मार्केट वंस. बिलीव मी, ये कैडबरी से भी टेस्टी एंड क्रंची है एंड इसमें नट्स का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से आ रहा है. इट इज़ वेरी डिलीशियस.